क्या आपको पता है उत्तराखंड में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ पे शिव और पार्वती की शादी हुई थी? अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे एक मंदिर के बारे में जिसका नाम है त्रिवेणी गार्डन। इस मंदिर के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे इस मंदिर तक पहुंचना है और क्या इसकी मान्यता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं हिमांशु और सुबह के बज रहे हैं 3। आप लोग मेरे पीछे देख ही सकते हैं, मेरा बैग हो चुका है तैयार क्योंकि 2 दिन की मेरी छुट्टी है। तो अब कॉर्पोरेट मजदूर जाएगा पहाड़ों पे मस्ती करने। तो ये वीडियो होने वाली है एक फैमिली ट्रिप, क्योंकि इसमें मेरे साथ होगी मेरी फ्रेंड स्वाति, जो कि अपनी फैमिली के साथ निकल चुकी है देहरादून से और किसी भी वक्त पहुँच सकती है ऋषिकेश। तो मैं भी फटाफट से अपनी फैमिली के साथ रेडी होता हूँ, मिलता हूँ उनसे और उसके बाद हम लोग आगे का सफ़र अपना तय करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर कोई कॉर्पोरेट मजदूर ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग अपने लास्ट वीकेंड में कहाँ गए थे। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं ब्यासी। सुबह हम लोग खाली पेट घर से निकले थे, इसलिए यहाँ पे हम चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद आगे का सफ़र अपना तय करेंगे। और इस समय हम हैं देवप्रयाग में, कोशिश करेंगे फटाफट से रास्ता कंप्लीट हो और हम पहुँचे त्रियोगी नारायण, और वहाँ पे उम्मीद करेंगे टेम्परेचर लो हो और काफ़ी ठंडा हो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। फाइनली गाइज, इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और मैं पहुंचने वाला हूं त्रियोगी नारायण टेम्पल में। इस वक्त मैं हूं सीतापुर, जो एक छोटा सा गांव है और बहुत ही पास है मंदिर से। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ मंदिर में शादी करने का, तो यही वो एक जगह है जो आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगी, क्योंकि ये सबसे पास लोकेशन पर है और यहाँ पर ईजिली आपको रूम्स एंड सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल सकती है। तो फटाफट से निकलते हैं मंदिर की तरफ और दिखाता हूँ मैं आपको कैसा वो मंदिर दिखता है। अभी मुझे नहीं पता वहाँ पे भीड़ होने वाली है या नहीं होने वाली, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और ट्रैफिक देख के तो लग रहा है यहाँ पे जिस तरह से गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे काफ़ी भीड़ होने वाली है। तो जल्दी से चलते हैं और दिखाता हूँ आपको मंदिर। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं त्रियोगी नारायण टेम्पल। आप लोग देख सकते हैं ये है टेम्पल का मेन गेट, जहां से हम एंट्री करेंगे और जाएंगे मंदिर पे। उससे पहले आप लोग वादियों का मज़ा ले लीजिए, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है और यहां से हिमालय की चोटी भी दिख रही है।
मंदिर तो भगवान नारायण जी का है, 52 अवतार जो हुआ है फिर तो उनका है, फिर योगी नारायण जी, लेकिन शादी यहाँ पे शिव और पार्वती हुई। आपने सुना होगा दक्ष प्रजापति की जो पुत्री थी की माता जी, जो दो अपमानों के कारण वहाँ हवन कुंड में भस्म हो जाती। पहला अपमान उनके स्वयं के पिताजी ने किया, दूसरा अपमान जब राजा रामचंद्र जी सीता की गोद में जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि श्री से मैं इनकी परीक्षा ले लूँ, तो श्री ने कहा कि जाइए, दूसरा अपमान उनका वो हो गया, तो दो अपमानों के कारण वहाँ भस्म हो गई। फिर दोबारा जन्म लिया उन्होंने इस स्थान पर पर्वतराज हिमाचल के घर में माता मैना की कोख से, तो पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती पड़ा। मां बताते गणेश जी की उत्पत्ति पहले नहीं थी, पहले वैसे आदिनायक की थी, लेकिन उत्पत्ति तब बताते जब शिव जी का विवाह पार्वती के साथ हुआ। तो राजा हिमाचल के जो अपने इष्ट देव कुलदेव थे वे थे भगवान नारायण, तो इसीलिए उन्होंने पार्वती मैया का विवाह भगवान नारायण को साक्षी मान करके किया। अन्न अग्नि है शिव और पार्वती ने फेरे वहीं पे लिए। बताते सतयुग त्रेता और द्वापर तीन युगों तक देवताओं से वो अग्नि जलती रहती, लेकिन जैसे कलयुग का आरंभ हुआ तो उस अग्नि को जो है जीवित रखने के लिए उसमें लकड़ी डाली जाती है, तो कंटिन्यूअसली उसमें लकड़ी डाली जाती है और उस आग को जीवित रखा गया है। अभी भी ये अग्नि जो है भारत की मैंने विभिन्न क्षेत्रों में जाती है, आप असम से लेकर के साउथ से लेकर के पूरब से लेकर के उत्तर तक चारों दिशाओं में यहाँ से लोग अग्नि के लिए आते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, वहाँ यज्ञ हो रहा है, तो लोग यहाँ से अग्नि ले जाते हैं, कोई जूट की रस्सी बना करके उनमें ले जाते हैं। तो यहाँ से अग्नि आपके गुजरात हो गया, आसाम हो गया और ये कर्नाटक केरल तक धर्मशिला महाराज जी, तो यही पे उस समय राजा हिमाचल ने पार्वती मैया का कन्यादान किया। बताते हैं उस समय उन्होंने 125,000 मोती और 125,000 गायों का दान करके पार्वती मैया का कन्यादान किया। तो गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि कलयुग में इतने मोती या हीरे जवाहरात किसी पास होंगे नहीं, तो जो ये चावल की थाली आपने देखी होगी तो वो चावल मैंने मोती मान करके उन चावलों का यहाँ पे दान किया जाता है। कई लोग अभी भी आते हैं तो गाय दान भी करते हैं। ये गाय बांधना की खिलाई सामने दिख रहा है, ये गाय बांधना का कोटा, चार कुंड है, ब्रह्म कुंड रुद्र कुंड, ब्रह्मा जी की शक्ति से ब्रह्म कुंड, शिव जी की शक्ति से रुद्र कुंड और विष्णु कुंड, ये तो ऑलरेडी भगवान नारायण जी का है, विष्णु जी का कुंड हो गया, और ये सरस्वती कुंड चौथा, चार कुंड इसमें पितृतर्पण होते हैं, और चौथा है थोड़े नारद कुंड बता दो कुंड अंदर मंदिर के, सूरज कुंड हो गया और अमृत कुंड हो गया। सूरज कुंड का पानी जो है सिर्फ भोग के लिए आता है, अमृत कुंड का पानी कहीं। दूसरी बात यहाँ पे पटबंध नहीं होता, अन्य मंदिरों में 6 महीने में पटबंध हो जाते हैं, यहाँ पे जो है 12 महीना पूजा होती है, यहाँ पे पटबंध कभी नहीं होता। सर्विसानंद भट्ट है, मैं त्रिजुनाल से हूँ, तीर्थपुर यहाँ का। यहाँ पे शादी के लिए रश्मि सब तीर्थ कार्यालय में करवाना होता है। आप लोग जैसे हमारे भारत बोर्ड का जो नंबर है, आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, ऐसा कंपल्सरी नहीं कि आपको इधर जाना, क्योंकि कई लोग बाहर होते हैं, कई दूर होते हैं, वर की तरफ से और कन्या की तरफ से, क्योंकि पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है, बिना पेरेंट्स के यहाँ पे शादी नहीं, बिना गार्जियन की शादी नहीं, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं भाग के आ जाते हैं, बाद में हमको जो है झेलना पड़ता है, कई बार पुलिस की इंक्वायरी आ जाती है। जिनके मम्मी पापा नहीं रहते हैं, मतलब किसी का एक्सपायर हो रखे हैं या कोई बीमार है, चल नहीं सकते, आ नहीं सकते हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो उनका चाचा ताऊ भैया भाभी कोई भी हो, और रजिस्ट्रेशन होता है तीर्थपुर संत कार्यालय में, उसका चार्ज 1100 रुपये होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों का आधार कार्ड लगता है, दूल्हे का भी और दुल्हन का भी, ठीक है। उसमें आधार कार्ड में सारा एड्रेस वगैरह फिल होता है, तो हम आपको वो रसीद बना के देते हैं रजिस्ट्रेशन से। उसके बाद जो है शादी के दिन जो है दो पंडित होते हैं शादी करवाने वाले, एक वर पक्ष के लिए, कन्या पक्ष के लिए। वो शादी में जो है कि हल्दी से लेकर के मंगल स्नान और शादी के फेरे तक सारा काम करके देते हैं। नवंबर टू अप्रैल वहाँ पे शादी होती है, क्योंकि अप्रैल टू नवंबर जो पीरियड होता है वो यात्रा सीजन का होता है। उस धर्मशाला में सारे लोग पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, तो एक आदमी के लिए 2.5-3 घंटे इन्वॉल्व नहीं हो सकती उस जगह, तो वो जगह छोड़ देते हैं और मंदिर के प्रांगण में मंडप बना करके शादी होती है। वहाँ पे ये जो पुजारी होते हैं जो हवन करवाते हैं ज्योतिर्लिंग का, शादी के बाद चतुर्थी का कार्यक्रम वहाँ पे होता है, उस अग्नि के चार फेरे होते हैं, चार परिक्रमा होती है उसकी, फेरे तो बाहर होंगे लेकिन परिक्रमा चतुर्थी की चार परिक्रमा अंदर होती है। शादी के बाद तो ब्राह्मण की दक्षिणा, मंदिर का खर्चा, रजिस्ट्रेशन का खर्चा, ये लगभग आपका 25,000 से 30,000 रुपये आ जाता है। इसमें कुछ सामग्री आपको लेके आनी होती है, कुछ सामग्री यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है,
जैसे कि चौकी है, परात है, कलश है, दूध है, दही है, शहद है, वो यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। आपको लेके आना होता है जयमाला हो गई, बरडाली की टोकरी हो गई, फ्रूट हो गया, फल हो गया, मिठाई हो गया, ये जो है थोड़ा थोड़ा सामग्री आपको लेके आनी होती है, कुछ सामग्री यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। आपके घर में यदि कोई कार्य हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे आकर के वो काम नहीं कर सकते, वो हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे हम लोगों का अधिकार है। तो तीर्थ पुरोहित यहाँ पे तीर्थ में कार्यक्रम करते हैं, तो जो कुल पुरोहित होते हैं, जो घर के पंडित होते हैं, वो घर में करते हैं। आने के लिए तो कि ये है कि मंदिर की जगह है तो ज़्यादा क्या बोल सकते, लेकिन अगर शादी है, शादी में ज़्यादा 20-25-30 लोग अलाउ हैं। तो आज का सफ़र हो चुका है हमारा ख़त्म, ये था त्रियुगी नारायण टेम्पल। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे हो सकेगा तो मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।